further delay, let me welcome Mr. Digvijay Singh on the show. Welcome, sir. How are you doing? Fine, sir. तो सर बताइए कि आपका सबसे पहले गोकी में इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, आप कैसे आए गोकी सिस्टम में, क्योंकि 2015 में तो हम बहुत ही न्यू थे, राइट? गोकी ने लॉन्च ही किया था 2014 में। जी सर, मेरा एक्चुअली गोकी के बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं थी। स्मार्ट वॉच के बारे में सुनता था, तो 13 मई 2015 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, उसमें मैं नागपुर से पुणे बच्चों के पास गया था। तो बच्चों ने हमको जो है आफ्टर केक कटने के बाद एक गिफ्ट प्रेजेंट किया, और उसके बाद इसमें इतना फीचर देखा मैं कि मैं कितना चल रहा हूँ और उसमें कैलोरी कितनी बर्न हो रही है, कितने किलोमीटर चल रहा हूँ, काफी कुछ। तो इतना मैं एक्साइटेड था, रात में नींद तो अच्छी आई। सुबह उठ करके मैं फ्रेश होने के बाद मैं पहला काम किया कि लाओ पहले वॉकिंग के लिए निकलूं, और उसके बाद काफी हमारे अंदर वो आया कि चलो कम से कम हम जितना चल रहे हैं वो पता तो चल रहा है। तो 2015 से ही सर मैं गोकी से जुड़ा। बट एक बात बताइए कि 2015 में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही न्यू था, तो उस टाइम आपको किस तरह लग रहा था कि ये कोई डिवाइस या घड़ी जैसी चीज को पहनेंगे, और आप उस टाइम भी कोच से अपने बात कर रहे थे हमारे ऐप पे? जी हाँ सर, उनसे बात कर रहा था, काफी कुछ हमको कोच से हमको मिला सीखने को और करने को। एक्चुअली सर, चूंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत पहले से ही था और हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी थोड़ा सा पहले शुगर का था, पहले फादर मदर ब्रदर, तो मैं ये चाहता था कि हेल्थ के द्वारा ही मैं अपना कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट करके ही इन बीमारियों से दूर रहूं। बट एक बात बताइए कि जहां तक मुझे पता था आपने पहले भी काफी एक्सरसाइज की, काफी वॉकिंग की, पर उस टाइम आपको हेल्थ में इतना फर्क नहीं पड़ा। गोकी के कोच के बाद आपका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा था, तो बताइए ये कैसे हुआ? एक्चुअली सर, 2012 के दौरान काफी टीवी पर जो आ रहा था कि मतलब 500-600 अपना ये तो कपाल भाती कीजिए, 100 जो है अनुलोम विलोम कीजिए, तो मैं काफी करता था। उसके बाद फिर भी मेरा बीपी जो है डाउन नहीं हो रहा था और वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा था, काफी मैं परेशान हो गया। उसके बाद डॉक्टर से कि मैं इतना वॉकिंग करता हूँ ये मतलब फिर भी प्राणायाम करता हूँ, योगा कम करता था लेकिन प्राणायाम ज्यादा करता था, लेकिन फिर भी हमको नहीं फायदा हो रहा था। गोकी कोच ने हमको बताया कि आप सर पहले आपकी मॉर्निंग उठने के बाद आप क्या क्या करते हैं, तो मैं बताया मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो पहले 1 लीटर कम से कम पानी लेता हूँ और लहसुन और मेथी लेता हूँ। बोली उसके बाद जब आप वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो प्री वर्कआउट आप कुछ लेते हैं क्या? मैं बोला नहीं। उन्होंने समझाया कि आप कम से कम रात को 8-9 बजे खाते हैं, उसके बाद 12 घंटे का गैप, 10 घंटे 8 घंटे 9 घंटे का गैप हो जाता है, उसके बाद आप वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के लिए उतना फायदेमंद नहीं है। और उन्होंने उसके बाद जो मैं प्री वर्कआउट अपना कार्बोहाइड्रेट अपना केला या कुछ भी लेने लगा या स्प्राउट्स, और उसके बाद गोकी से जुड़ने के बाद हमारा जो है वेट एक बैग तो नहीं कम हुआ सर, टाइम लगा उसमें, लेकिन काफी हमको बेनिफिट मिला। और उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको कि आप कि नींद कितनी है, आप पानी कितना लेते हैं, पहले मेरी नींद भी नहीं हो पाती थी क्योंकि रात में 11 बजे 12 बजे सोना, सुबह 6-6:30 बजे उठ जाना, लेकिन गोकी के द्वारा ही पता चला कि कम से कम हमारे शरीर के लिए 7-8 घंटे नींद लेना जरूरी है। हमारे कोच ने पानी, पहले मैं 1.5 से 2 लीटर पानी पीता था और आज जो है 3.5 से 4 लीटर मेरा पानी पर डे हो जा रहा है। एक और बात बताइए कि आपको ये कोच सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, आपको लगा नहीं कि ये कौन है? मतलब यू नो, देखिए आप नॉर्मली आप टीवी पे बाबा रामदेव हैं जो इतने सारे यू नो योगा गुरु है वो आपको बता रहे हैं, और ये आपको कोई ऐप पे
कोई कोच आपको ये सब इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब आपको कभी ये संदेह नहीं हुआ कि ये कौन लोग हैं, मतलब क्या बोला जा रहा है, मुझे ये ठीक है कि नहीं, मैं कुछ भी फॉलो कर रहा हूँ? नहीं सर, रसम गुरु से काफी हमको फायदा लगा इसलिए मैं फॉलो कर रहा था कोच का सारी बातें उसमें। उसके बाद पहले मैं खाना जो है मतलब जो लंच डिनर या स्नैक्स तो मतलब लोड अपलोड नहीं करता था, तो उन्होंने मतलब नहीं आप फोर्स ली कि आप इसको कीजिए प्लीज, तो उसके बाद मैं अपलोड करने लगा और आज तक मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ भी। अगर अभी एक रोज मैं आपको बताऊँ वाक्य कि अभी हमारी जो कोच मोनिका राज जी हैं वोहे पर मैं थोड़ा सा नमकीन सेव डाल लिया था, वार्न कर दिया नहीं सर ये डीप फ्राई है प्लीट वाइट। तो कोच मतलब हर चीज वो मेरा सब कुछ वो देखती रहती थी, खाना जितना अपलोड करता था। अभी मीन टाइम में आरसी कराया टीथ का, तो उन्होंने बोला एप्पल साइडर विनेगर लेने के लिए मैं ले रहा था, तुरंत ही स्टॉप करा दिया कि नहीं आप अभी जो है इसको बंद कर दीजिए। तो इतना मतलब प्रॉपर केयर रखते कोच का। तो जब से मैं जुड़ा हूं तब से मैं सर कोच कभी मैं बंद नहीं हुआ मेरा। और मुझे एक बात बताइए कि आपके जो यू नो आई नो आपके आपकी बेटी और जो आपके फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने आपको ये गिफ्ट दिया था उनको क्या लगा था? क्योंकि ऐसे तो देखो गिफ्ट बहुत मिलते हैं राइट, एंड लोगों का नॉर्मली एक दो दिन की बात होती है और नॉर्मल गिफ्ट चलो आप तो लकी आपको गोकी मेला पर नॉर्मली कोई किसी को चॉकलेट केक दे देता है, वॉलेट दे देता है, टाई दे देता है, या यू नो जो आम चीजें गिफ्ट्स की होती हैं। तो आपको जब ये गोकी गिफ्ट मिला तो इनका इनको लगा था आप इसको इतना यूज कर पाएंगे? क्योंकि एक एक सबके इंटेंशन में होता है कि यार ये लोग खाली यंग लोग यूज करते हैं सब टेक्नोलॉजी की चीजें, यू नो दिस इज नॉट समथिंग विच द ओल्डर जनरेशन कैन यूज। सर गुकी जब से मैं स्टार्ट किया हूँ हमारे फैमिली के सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इवन हमारे ब्रदर जो आर्मी से कर्नल रैंक से रिटायर हुए हैं वो और उनकी फैमिली और उनके समधी जी भी जो भी उनके मतलब हम लोगों के रिलेशन में है करीब करीब सभी लोग गोकी यूज कर। तो मतलब आपने तो पूरा गोकी का प्रचार मतलब पूरे अपने फैमिली में ही कर दिया लग रहा है। जी सर, जी। तो मुझे बताइए कि यू नो जब ये हो रहा था तो आपके घर में ऑफकोर्स आपकी मिसेज उन्होंने तो आपको लाइफ भर आपकी उन्होंने उन्हें देखा है और आपको आपकी जारी जो हेल्थ के ऊपर नीचे था स्पेशली आपका ब्लड प्रेशर का जो इश्यू था तो उनका क्या कहना था? वो ज्वाइन कर रही है हमें आज कि नहीं? हाँ है ना सर, वेट और ब्लड प्रेशर, वेट तो मेरा 90 kg। आइए आइए प्लीज। 90 kg से मेरा सर अभी नमस्ते नमस्ते मिसेस सिंह हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छा। तो आज हम जो ये सेशन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के साथ तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ये एक्चुअली जो बोल रहे हैं ये सब सच है कि नहीं, क्योंकि सब कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये 90 किलो का वजन था ये तो, और इनकी अभी एज मुझे बताया गया ये 63 है, ये 63 के किसी हालत में नहीं लगते। आई मीन इनकी एज मे बी लेट 40s अर्ली 50s में ही होगी और इनका जो ब्लड प्रेशर है ये सब चीजें एक्चुअली हुई है कि ऐसे ही हमें बोल रहे हैं? नहीं नहीं सब सब ठीक हो गया है। पर आपने तो बहुत करीबी देखा है राइट, जब से आपकी एनिवर्सरी वाले दिन जब आपको ये गिफ्ट मिला तो आपको क्या लगा था कि आ ये यूज कर पाएंगे कि यू नो नॉर्मली आपने तो इनको बहुत सारी गिफ्ट्स मिली होंगी? और नहीं नहीं गिफ्ट एक गिफ्ट से बच्चे दिए बहुत कुछ, बच्चे सब समझाए कि ऐसे ऐसे करना पड़ता है इसके बारे में। नॉर्मली तो बच्चों का जैसे यू नो मेरी मम्मी है उनको कुछ बोलो तो वो कोई फॉलो नहीं करती चीज है, तो उनका तो मतलब इनफैक्ट अगर मैंने बोला तो वो नहीं करेंगे उल्टा हो जाता है। तो यहाँ यू नो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग टू सी दैट यू नो ये इतना अच्छा फॉलो कर रहे थे। तो मुझे एक बात बताइए कि कोच इनको ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी और ये सब सडनली फॉलो कर रहे थे, क्या आपने कभी इनको ये सब पहले चीजें बोली नहीं थी कि ये मत करो ये मत खाओ या अनुलोम विलोम ऐसे मत करो टीवी देख के? जो हमको खराब लगता था बोलती थी, बच्चे से ज्यादा अपना नहीं सर। बीच में हमारा इनका थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता था, कोच हमारी जो बोलती थी इनको बोलता था फॉलो करने के लिए 7 बजे हमको 7:30 बजे खाना चाहिए
तो थोड़ा सा ये नहीं समझती थी, लेकिन जब से इनको भी उससे फायदा होने लगा तो अभी 7:30 और 8 के बीच में मेरा डिनर डन हो जाता है। उसी तरह से मॉर्निंग स्नैक सारा कुछ इनका है, इनका योगदान काफी रहा हमको। ब्लड प्रेशर का और गुस्से का बहुत ज्यादा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड है गुस्सा और ब्लड प्रेशर, क्या इनको वाकई में गुस्सा भी आता था कि जब ब्लड प्रेशर था इनका इतना हाई? गुस्से बढ़ जाता था कभी कभी गुस्से। तो कहां तक इनका कहां तक पहुंच गया था ब्लड प्रेशर जब आपका हाई ब्लड प्रेशर होता था? तो सर 160-110 तक पहुंच गया था मेरा। 160? इसके चलते मेरा रेटिना भी डिटेक्ट हो गया था। डिटेच हो गया था जी, और उसको दूर करने के लिए मैं फॉलो कर रहा था। और ये मैं जानता हूं सर, अगर कोई भी आदमी डबल ई को फॉलो किया तो कभी जिंदगी में उसको कभी नुकसान नहीं होगा। डबल ई का मतलब एजुकेशन और एक्सरसाइज। एजुकेशन हमको कभी झुकने नहीं देगा और एक्सरसाइज हमको कभी गिरने नहीं देगा। वाह, आपने बहुत बहुत बड़ी बात कह दी, एजुकेशन एंड एक्सरसाइज, यही ये फाउंडेशन है, राइट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी जो कोविड हमारा आप ये चल रहा है हमारे यहाँ पूरे पूरे वर्ल्ड में जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, इसमें यही तो हुआ है कि वो बोला गया है कि जो लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा है, जो डायबिटीज थे, जिनको बहुत सारी और बीमारियां थी, उनका मोर्टेलिटी रेट कितना हाई हो गया कंपेयर टू द पीपल हु वर हेल्दी। तो वो बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत पॉपुलर कहावत है, पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ट्रूली होने लग गया। पर आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर लोगों को लगता है कि लाइफ में कभी ठीक नहीं हो, ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है, डायबिटीज तो लोग फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, बट ब्लड प्रेशर का लोगों का यही मानना है कि ब्लड प्रेशर, और सबको लगता है गोली खानी पड़ेगी। जिसको भी ब्लड प्रेशर है बोलते हैं मैं एक गोली खाता हूं ब्लड प्रेशर की रोज। तो आपने भी क्या वो गोली खाई थी, और अभी आपका क्या स्टेटस है ब्लड प्रेशर का, और आप अभी भी मेडिकेशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्या हुआ है? नहीं सर, अभी क्या है, मेरा डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर का गोली बंद कर दिया था, जिस डॉक्टर से मैं दवा ले रहा था। उसके बाद दूसरे डॉक्टर से भी, 2-3 डॉक्टर से बोला, तो सबका व्यू अलग अलग था कि देखिए एक बार आप जो है गोली चालू कर दिए तो उसको चालू रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा अपनी तरफ से, वो जो एक गोली लेते थे तो उसका मैं हाफ लेता हूँ, और हमारा कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज पर, कभी कभी नीचे ही आ जाता है। और दूसरा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमने गोकी का जो वाइटल सबसे डिवाइस लॉन्च किया था, उसमें हमने ब्लड प्रेशर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ। और इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि बहुत कम लोग हैं हमारे देश में जो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। जी हाँ। डेटा ये है कि साल में कोई एक बार कर ले तो कर ले अपना ब्लड प्रेशर, कितने लोग तो सालों तक अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते। तो मुझे बताइए कि गोकी के आने के बाद आपने चेकिंग अपनी ज्यादा की, पहले से आप पहले कितना करते थे और बाद में कुछ बढ़ा? ये सर अभी जो है, जो कोरोना का चला था इसमें अभी पिछले मई को ही ये जो विटाल जो है हमारे बच्चे दोबारा उसका जो है न्यू वर्जन जो है उसको गिफ्ट किया, और उसमें जो है करीब करीब 2-3 दिन के बाद मैं ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। हर 2-3 दिन के ब्लड प्रेशर प्लस हार्ट रेट दोनों आ जाता है, ब्लड प्रेशर बीपी का और हार्ट रेट का, और ऑक्सीजन लेवल भी उसमें बता देता है, तो सारा कुछ उसमें फैसिलिटी है। वेरी गुड। तो मिसेस सिंह, मेरे को एक और सवाल था आपसे जी, कि जब ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा था, आप नागपुर में रहते हैं, आपके बच्चे हैं वो अलग अलग शहरों में अलग अलग सिटीज में हैं, किस तरह आप ये सब कम्युनिकेट कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है? मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, सडनली आप बोल रहे हो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, वेट कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये लोग क्या सुन रहे थे, क्या लोगों को लग रहा था, और आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो मित्र हैं, उनका क्या कहना? नहीं सर, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ लोगों का कमेंट्स था कि आपको लगता है कि रिटायर होने का झटका लग गया है, कि आप इतना वीक हो गए हैं।
वीक हो गए, वीक हो गए हैं एक्चुअली सर, जितना कंटिन्यूस देखते आ रहे थे, और वेट अभी मेरा कम से कम साल भर से, साल डेढ़ दो साल से समझ लीजिए 75 नियर अबाउट उतना है, क्योंकि मैं अपने कोच को हर फोर्टनाइटली जो है वेट भेज देता हूँ। अच्छा, और उसमें पूरा मेरा डाटा कैलकुलेशन आ जाता है, उसमें विसरल फैट फैट का और प्रोटीन का और बीएमआई के साथ गोकी का वेइंग स्केल भी है, तो ऊपर पूरा उनका प्रॉपर वो देखते हैं। तो देखिए मुझे एक चीज तो देखो, ये तो एक बात सच है कि हमें मिसेस सिंह ने कुछ ज्यादा तो बताया नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो मैं अभी एक काम करूंगा, मैं आपकी जो कोच है उनको लेके आने वाला हूँ लाइव, और हम उनको पूछेंगे कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आई वुड लाइक टू नाउ वेलकम मिस्टर दिग्विजय कोच मोनिका। मोनिका राज, हेलो मोनिका, हाउ आर यू? हेलो, हाय सर, हेलो दिग्विजय जी, हेलो मैम। सो मोनिका, इधर हम लोग बात कर रहे थे, हमें दिग्विजय जी बता रहे थे कि किस तरह आप उनको सेब खाने नहीं दे रही, आप उनको एप्पल खाने नहीं दे रही, आप ये एप्पल साइडर विनेगर रोक रही है, ये सब हो रहा है। तो ये हमें असली बात बताइए कि ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि ये पहले से फिट थे और सबको खाली बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम थी। होगा इनको देख के तो लगता नहीं है इनको कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम, बट एक्चुअली मैंने इतना कंसिस्टेंट एफर्ट किसी का नहीं देखा। ही हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, आई मीन टिल द टाइम, आप भी इवनिंग स्नैक्स भी लॉक करके ये शायद लॉग इन किया इन्होंने। सो यू नो एवरी टाइम आई सी एवरीथिंग इज देयर, वॉट एवर आई आस्क फॉर इट्स देयर, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम द विसरल फैट ऑफ 40% एंड अभी इट इज नाउ 25 हमारा चल रहा है। इट्स बीन रियली गुड, मीन आई हैव नेवर सीन सो कंसिस्टेंट anybody, so effortless. When it comes to blood pressure, see, it's such a complex problem, right? It has so many things. तो आपने क्या notice किया कि क्या इनका root cause क्या था और क्या changes करके इनको impact मिला? Sleep was one of the thing, okay. And secondly, he was working out a lot. मतलब 7 के 7 दिन ये workout कर रहे थे. So I literally begged him to stop his workout for at least 2 days, because again body needs rest and recovery, and that has shown a great effect. I'm sure he'll agree. And he is taking very consistently pre and post workout meals, which are not having any kind of preservatives or extra salt. Even aapke salad mein extra salt nahi hota. Never he takes pickles and papad. Everything is very very, you know, arranged by madam, and it is always perfect. That's amazing. Itna discipline, and aapne jo ek baat batai over exercise ki, right? Ye jo over exercise ki problem hai, ye maine bahut logo mein dekhi hai, kyunki logo ko lagta hai ki paseena aa raha hai mujhe, main chal raha hu, main 20,000 step kar raha hu, 25,000 step kar raha hu, to usi se weight loss ho jayega. Actually aisa nahi hota hai. Wo kaha jata hai na ki agar ek motor hai, अगर आप मोटर को ज्यादा चलाओगे तो मोटर गर्म हो जाएगी और आपने मोटर जल जाएगी, तो इसको चलाने का भी एक ऑप्टिमम तरीका होता है। तो मोनिका, टेल मी समथिंग कि इनकी जो मोटर थी या इनका मेटाबॉलिज्म जो था, वो किस तरह आपने रेगुलेट किया? सी एक्चुअली वी इंक्लूडेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वी एडेड कार्डियो आल्सो, और जो योगा चल रहा था। अब जैसे देयर इज वन थिंग regarding pranayam, he was doing so many pranayam, but bhastrika is a contraction in hypertension, so we stopped his bhastrika pranayam. Bhastrika actually should not be done, at all. So humne wo stop kiya, hum we concentrated mainly on anulom vilom and simple deep breathings, and then secondly jo strength training tha wo he is doing very regularly, 3 to 4 days in a week wo consistently hota hai, walk is always there, and apart from that अभी कोरोना पीरियड में व्हेन वॉक वाज नॉट देयर ही वाज डूइंग इंडोर एक्सरसाइजेस वेरी वेल इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ 2 to 3 days वी यूज्ड टू मेक दैट थिंग हैपन बीच में हमने इनको नी इश्यूज थी तो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी डाली तो ही वाज एबल टू डू मेनी अदर एक्सरसाइजेस अगेन बिकॉज जंपिंग जैक वगैरह ये नहीं कर पाते थे एंड वी स्टॉप दैट एंड वी इंक्लूडेड लॉट ऑफ नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए एप्पल साइडर विनेगर हैज बीन अ ग्रेट बून And abhi to cholesterol levels have been in a good shape. Matlab they are not out of range from past 2 years. So it's been very, very good in that way.
एंड द बेस्ट थिंग इज इंक्लूडिंग सैलेड्स एवरी मील्स में ही सेंड्स मी द फोटो पहले सैलेड पहले होगा फिर बाकी मील्स होंगी एंड दैट सैलेड इज ऑलवेज फुल प्लेट मैडम शेयर आई हैव अ वेरी थिंग टू डू राइट नाउ मैं इनका गोकी अकाउंट आपको दिखाने वाला हूँ और दिखाऊंगा सब लोगों को कि किस एक्सटेंट में इनकी लॉगिंग होती है अगर आप इनका गोकी अकाउंट देखो मैं इनके काफी मैंने इनको लाइक किया हुआ है तो एज यू कैन सी दिग्विजय इनका अकाउंट है 2016 से इन्होंने अब तक 22.9 मिलियन मतलब 2 करोड़ हो गया ये 2 करोड़ से ज्यादा कदम चल चुके हैं इनके 327 फ्रेंड्स बने हैं गोकी पे तो आई थिंक ये काफी गोकी फ्रेंड्स भी है इनके पास इनकी अचीवमेंट्स भी अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इतने सारे तो इनको बैजेस मिले और अगर इनके लॉग्स देखो अभी 3 घंटे पहले वाह इन्होंने बहुत अच्छा बहुत ही स्वादिष्ट लंच किया है मैं इसको लाइक कर देता हूँ और अगर आप इनका कंसिस्टेंटली देखोगे तीन यू नो इनका जो सैलेड है या इनका ये ब्रेकफास्ट रहा पोहा और सुबह उठ के तो टेल अस ये आप ये सब देखती हैं ये सब लॉग्स आपको क्या ये मतलब Definitely, that's what I was telling. Morning का पहला मैसेज दिग्विजय जी का ही होता है इट इज ऑलवेज हिज मैसेज प्री वर्कआउट मील पहले आएगा देन पोस्ट वर्कआउट मील एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स इफ ही हैज एनी क्वेरीज एवरीथिंग विल बी देयर एंड मोस्टली द वॉक ट्रैकर ही सेंड्स दैट हाउ मच ही वॉक्ड एंड एट वॉट पेस ऑल्सो सो दैट गिव्स मी द आइडिया यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरवल वॉकिंग ही इज डूइंग और ही इज डूइंग अ लेजर वॉक और ही इज डूइंग अ ब्रिस्क वॉक दैट ऑल्सो आई कम टू नो So accordingly, then we settle next week ka exercise sessions or dues like that. And the best thing is that he is very consistent. I mean, every day I get that. And evening ka bhi, lunch ka bhi, and dinner. 7:30 sharp, I'll get the dinner ka notification that he has done the dinner. So I get that. Mujhe iske baare mein pata chala hai ki aap jo dinner ka timing bol rahi thi, wo Mrs. cooking separately and serving separately is a big task. So it's like you start eating with her only, so then she will also enjoy the food and she'll let you also eat at time. बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि आजकल इंटरनेट पे टीवी पे यूट्यूब पे इतने लोग एक्सरसाइज दिखा रहे हैं और कोई भी बोलते ये करो आप हेल्दी हो जाओ बट जो एक सिंपल चीज थी भस्त्रिका विच एक्चुअली इज अ गुड एक्सरसाइज इन इटसेल्फ बट इनका एक्चुअली इट वॉज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद हिज ब्लड प्रेशर सिमिलरली ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस के साथ इंटरफियर करती है तो इसलिए हम जब कहते हैं कि कोच जो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं वो आपको बताते हैं कि क्या आपको अपने लिए करना चाहिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे एक और मुझे एक सवाल पूछना था सिंह सिरो मैं इधर देख रहा हूँ बहुत मिसेस दिग्विजय सिंह भी है और आपकी कोच भी है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन आपके फूड हैबिट्स के बारे में ज्यादा जानता है दोनों में तो मैं एक छोटी सी गेम खेलेंगे हम लोग मैं एक सवाल पूछूंगा और दोनों को इसका जवाब देना पड़ेगा और आप बताएंगे ये सही जवाब क्या है तो पहला सवाल बहुत ही सिंपल है कि इनका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है मिसेस दिग्विजय सिंह पहले आप जवाब देंगी फिर मोनिका जवाब देंगी इनका फेवरेट ब्रेकफास्ट अरे आप नहीं बता सकते फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है इनका उपमा भी बन जाता है दूसरा सवाल इनका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है पहले इनका फिर आप देंगे आंसर फेवरेट ड्रिंक रात में अपना हल्दी डाल के दूध पीते हैं हल्दी दूध मोनिका व्हाट इज योर रात में हल्दी दूध इज देयर बिकॉज़ आई सी द लॉग बट आई थिंक सत्तू इज वेरी रेगुलर राइट ही ड्रिंक्स सत्तू वेरी रेगुलरली इन पोस्ट वर्कआउट ही लाइक्स सत्तू अरे वाह दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग इनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है फेवरेट फ्रूट
अनार खाते हैं सुबह। अनार, ओ बोलते ना एक अनार सौ बीमार, तो ये अनार तो इनके है ही। व्हाट इज द फ्रूट मोनिका इनका? Yes, yes, I see pomegranates a lot, but I have also seen mangoes during summer. मुझे लगा ये नागपुर में तो संतरे तो आपको खाने ही होंगे, नागपुर famous for संतरा। Seasonal fruits sir, हम like करते हैं। Seasonal fruits, अरे वाह। And finally, इनका favorite yoga आसन कौन सा है? अभी इतने सारे yoga आसन करते हैं ये, इनका favorite yoga आसन कौन सा है बताओ? मिसेस सिंह आपको पहला फेवरेट योगा आसन नहीं बता पाए क्योंकि सर अब देखती नहीं है, हम बालकनी में करते हैं। अच्छा मोनिका डू यू नो हिज फेवरेट? अनुलोम विलोम इज हिज फेवरेट, ही स्पेंड्स ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स इन डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। 25 मिनट्स आप आई थिंक यू आर मेडिटेशन भी करते हैं राइट गोपी के ऊपर? अमेजिंग। नो बट आई थिंक इट इज सो ब्यूटिफुल टू सी आपने किस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो अभी हम लोग एक और सरप्राइज गेस्ट को लाना चाहते हैं इस शो में, और ये वो सरप्राइज गेस्ट है जिन्होंने आपको पहले गोकी के साथ इंट्रोड्यूस किया और आपको मोटिवेट किया। तो अभी मैं इन्वाइट करने वाला हूँ आपकी तीनों डॉटर्स जो ज्वाइन कर रही है लाइव, रुचिका, कृतिका एंड दीपिका on the show. Welcome Ruchika, Kritika and Deepika. Everybody has the ending ka, I can see that. Yeah. Yes, fantastic. Welcome and hello, so proud of you daughters. I think your father, aapke jo dad ne achieve kiya hai apne health mein, it is very very commendable. I think I have no words to describe, right? I mean ye jo inhone achieve kiya hai 30 aur 40 saal ke log nahi achieve kar pa rahe hain. Hum log पास इतने लोग हैं गोकी पे जिनको हेल्थ के इश्यूज है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ बढ़ा हुआ है। बट यहाँ मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर नजर आ रही है कि दिग्विजय सिंह सराउंडेड बाय विमेन पावर, इनकी कोच, इनकी वाइफ और इनकी तीनों डॉटर्स, तो ये ऑलमोस्ट लाइक आपको सारी देवियों ने घेर के रखा हुआ है बनाने के लिए। तो दीपिका लेट अस स्टार्ट विद यू, हाउ डिड यू सी दिस? आपने ये क्या देखा? You know what prompted all of you to get Goki for Mr. Digvijay? I guess the correct person to answer this would be my elder sister Ruchika, because she was the first one who brought Goki to our family. Was like, and since then I think everybody has been part of Goki since 2016, and then there were people getting added on as and when a new family member comes to our family. So his son-in-laws, they would get a gift as Goki, and you know, so this is how we celebrate the Goki factor at our home as well. Wow, this is incredible. And Ruchika, please hame bataiye ki ye hua kaise? How did you get introduced to Goki? And how did you think of introducing your dad? Because normally humne dekha hai ki, you know, people are hesitant to get their parents, thinking ki yaar wo app kaise use karenge, ye kaise use karenge. Normally people always are skeptical. But yahan to inhone to, ye to hamare app ke super user hai. Main aapko bol dun, super user agar koi app mein hota hai, वो मिस्टर दिग्विजय, विच इज वेरी ट्रू। एक्चुअली माय फर्स्ट थिंग वाज टू लाइक यू नो, आई हैव सीन माय फादर वर्किंग आउट इमेंसली, ही हैज बीन अ वर्कहोलिक आई कैन से ऑन फिटनेस फैक्टर्स, बट यस देयर वाज नो मॉनिटरिंग। आई गॉट टू नो अबाउट द कंसेप्ट फर्स्ट वन ऑन द वर्किंग ट्रैक, हाउ मच स्टेप्स एंड दैट I was the first one to get Goki, but then with the usage and all, I find really well, because that was always used to give me that till the time 10,000 steps are not done, one should not go to bed. So, and that's how I wanted that, you know, because my father keeps on, used to go for a walk, he used to do all the exercises. So why not to have a check also that how things are working? And then the best feature what Goki has and still continues on with the coach and the follow-up what the coach and the practices what the coach follows, that's very good with Goki. So that has, Papa started it for 3 months, but then that has been continued on. So the moment new Goki is there, the tracker gets updated. And as Deepika very rightly said, a new member entering in a family, the best gift is Goki. Wow, this is incredible.
So Kritika, what do you want to say about this? I know you've been also now added on to the Gokhi family, I was told. Can you hear me, Kritika? Yeah. Could you please repeat? I said, what has been your experience with Gokhi, given your father is the super app user of Gokhi? Mine is pretty good. Actually, like the one thing which is, you know, keeps me going on is like to complete my 10,000 steps in a day. Initially, I used to inform everybody in the group that, yes, I've completed that those steps. And I feel pretty good about it. And plus the water intake and all the data which we need to and put it in the app, it was very good. And that keeps us motivated. Like, yes, we need to do some more. And the coach follow-up calls and all, entire thing. It was pretty good. And tell me something. Aapko ye update kaise milta hai ki your dad is super active on Gokhi. Do you also check him in the Gokhi app itself, all his food logs? Yes, we check the food logs. Plus, we also used to, like, he keeps us informed as well that he have achieved these many steps. And, like, we were super excited for this video call as well. Like, he'll be connecting with you. We were super excited for this. No, that's amazing. And Deepika, I have a question. Normally, what happens is, I presume all of you work in big cities. You know, your dad is retired. While he doesn't look like he's retired, he's very, very active in Nagpur. So, you know, when parents are in a different city and you are in a different city, you always have that sense of anxiety. How are the parents doing? How is their health doing? So how did Gokhi help you bridge that? It helps a lot, to be honest. So my mother, she was part of this journey all along, but she was, you know, a back dancer or a supporter. She would help everybody achieve their goals. And she would be like, theek hai, ho gaya, theek hai, ho gaya. But now, mama is also wearing this watch. And daily, we would, on a group family chat, mama will say, she will share her, the photos and everything. And she would complete 15,000 steps and dad would be behind, say, 12,000 and 13,000. And we would talk about it. This gives us, you know, the comfort that my parents at this age can complete this and they are on the right path. You know, even though he's retired and they too are staying alone there at the home, but we are comforted with the fact that they have something to enjoy together, something to go on with and something to be, you know, it's a healthy competition because of late, we also started doing this that we have achieved, these many steps. So I think that gives the great comfort plus the BP factor also because kabhi-kabhi, you see changes in someone's way they are reacting, headache or something, the first thing that you ask is check if your BP is normal and you don't have to go anywhere. It's the tracker at your hand that will tell you how your BP is. So I think the comfort is assurance that it's good. Yeah. एक बात है दिग्विजय जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग आपको वॉच कर रहे हैं कहीं दूर से और आपको सब वॉच किया जा रहा है आप दोनों को नागपुर में? अच्छा है सर, ना मेरे लिए बहुत मतलब बच्चे ही सब वॉच करके और मिसेज ही काफी, कभी कभी जैसे समझ लीजिए किसी दिन मैं रात में लेट सोया और सुबह नहीं जा पाता हूँ तो मिसेज पिंच करना, उठिए जाइए और सुबह नहीं हो पता शाम को हमको जो है 10,000 तो कम से कम स्टेप पूरा कराई देते हो। और अब मुझे बताइए कि क्लियरली अभी पता चल गया है मुझे कि मिसेस सिंह भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो अभी इनका क्या गोल है, ये क्या किस गोल पे काम कर रही है? सॉरी, इनका क्या गोल है अभी, ये क्या टारगेट क्या है इनका अचीव करना? इनका सर 10,000 तो कर लेते हैं, इनका थोड़ा वेट कम करना है और धीरे धीरे स्टार्ट भी हो गया वेट कम होना का। So tell me, Monica, I mean, you know, as a Gokhi coach, you have seen hundreds of players, right? You operate with so many of them. Right. So what do you see? Why are we not having more such examples in India, where this is the ideal family, right? That the daughters, the whole family is adopting health. Yehi hamara uddesh hai. See, Gokhi ka jab hum log bolte hai, be the force. Hum log be the force isliye bol rahe hai, kyunki ye example hai be the force ka. कि right. एक बंदे ने अपने आप की हेल्थ से बाकियों को मोटिवेट किया और एक फोर्स तैयार की है जो पूरे देश को, दिस इज व्हाट वी वांट, अगर भारत देश को आगे बढ़ना है तो हमें हेल्दी सिटीजंस की जरूरत है,
अगर ये अभी कोरोना का हाल आपने देखा, अभी दो तीन और वायरस आ गए तो फिर हमारा देश तो खत्म ही हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी सिटीजन, और वो गोली खा के नहीं बनने वाले। हेल्दी सिटीजन वो ही बनेंगे जो एजुकेशन और एक्सरसाइज, जो आपने एग्जाम्पल दिया। सो मोनिका, व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, आपको क्या दिख रहा है? See, the difference, basic difference is the consistency, which I say. He is there from Goki since 2015. Hamara fat percentage kam bhi ho gaya hai, he has not left it. What we do normally is that once the goal is achieved, we leave it. And then again, we bounce back. So this is the consistency which is required. From past 7 years, he's consistently doing the same thing. And that is showing the effect. We should not leave our track in between. We have to continue that. And this is what we are seeing, no? The difference. So, and somewhere, right, look at the whole family's involvement, right? So tell me something, you know, again, any of the daughters can say this, right? So how do you describe Goki to a new person, right? आपको तो पता है गोकी क्या है, पर कोई नया बंदा को आप क्या बोलते हो? उनको तो लगता होगा ये लोग क्या गोकी के एजेंट है क्या, इनको कोई कमीशन मिल रहा है गोकी बेच के? मतलब what is it that you are telling people? Of course you are not getting any commission, we know that, but what do they think? Well, Vishal, to be very frank, a new member getting added up, the best thing is ki they know already all of us. So Goki, because that's a kind of a watch in everyone's hand. So wo identical factor ho jata hai jahan pe they know already there is something which is very common on technology also, which every family member is using. And in a way, we also keep on tracking. So it doesn't become difficult at all to even incorporate. And great, the condition currently what we are living in, fitness band has become very common. So you don't need to speak much, but yes, we do talk about the USP, why we suggest Goki, or what is the reason why entire family is bounded towards Goki. So we do provide the USPs and the main highlights which really helped us. And we all are examples because we all follow this. So motivation factor is there because within our own family, we have, you know, good 7-8 members apart from we three sisters who are still using Goki and the food logs. We all are connected on the, because we have an option of making friends. So all the family members are also connected. So we keep on encouraging each other. So those all things have helped. And even a new joiner is no more a new joiner. It is only the day he's wearing the watch wherein he needs to understand or she needs to understand how things work. Or else it is very much, it becomes a part of the family. Amazing. No, this is very truly important, right? That how it is connecting the family. See, technology is, माना जाता है कि technology लोगों को divide कर रही है, लोग अपने Facebook, Instagram में लगे हुए हैं, कोई family को ignore कर रहा है. Normally that is what is happening. Everybody just has family WhatsApp group, जा jokes और यही सब forward होती है. But here we are having an example of the family talking about health. The mother and the father competing on health, which is amazing and incredible. But ek cheez hai jo mujhe actually wapas emphasize karni hai, that what Mr. Digvijay has done on his blood pressure is truly remarkable. I'm telling you, we should not underestimate, first of all, how bad blood pressure can be. It can lead to so many problems. But in his case, he has not only reversed and managed it, I think he's now gone to the other level. So what I'm now going to do is, just to get a perspective, I'm going to invite Dr. Ashwin, who's one of the Goki's doctors and one of the experts on this entire syndrome of metabolic syndromes. And I want to know, Dr. Ashwin, you have seen this beautiful story play. What is your view? Aapko kya lag raha hai? Ye ho kya raha hai? Aise medical field mein kabhi hua hai isse pehle? Hello, everyone. Yes, Vishal, in fact, the reason I joined your company was to see this, you know, how much impact can lifestyle make? Because in 16 years of practice, main bhi logon ko dawaiyan prescribe karte karte thak gaya tha. So, this is a very, very heartening to see the entire Singh family, their daughters, Monica's achievement as a coach. And just medically, मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर सिंह से, सर आपने बोला फैमिली में डायबिटीज का भी हिस्ट्री था, जी हाँ, तो आपकी शुगर ठीक है? शुगर नहीं है सर हमको. आपको नहीं है? हाँ, एक्सरसाइज से ही शुगर कंट्रोल.
आपकी वैल्यूज भी आपने हेल्थ लॉकर में लॉग करे हैं, क्योंकि वो एक लॉग मैंने नहीं देखा, विशाल ने बाकी आपके फूड लॉग्स दिखाए, वेरी इंप्रेसिव। इतना सिंसियरली आप सब लॉग कर रहे हैं, दिस इज आई डोंट हैव यू नो, आई एम वेरी ओवरवेलम्ड टू सी अ फैमिली सो कमिटेड एंड सच हेल्दी गिफ्टिंग ऑप्शंस लाइक ऑल ऑफ यू। आपके हस्बैंड्स हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड गोकी, सो यू आर डेफिनेटली अ हेल्थ कॉन्शियस फैमिली। इट्स दैट इज द लॉन्ग रन, आप लोगों को परेशानियां कम होंगी बिकॉज यू आर अवेयर, आपने खुद रिवर्स किया है कुछ। सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड योर लास्ट बीपी टैबलेट विजय जी, दिग्विजय जी? क्वेंस डी मैं सिर्फ कोएमलो लेता हूं, सॉरी पहले क्वेंस डी लेता था, कोएमलो हाफ डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन दो तीन डॉक्टर से मैं बात किया तो बोले नहीं आप एक बार चालू हो गया तो उसको मतलब बंद मत कीजिए। तो मैं समझ नहीं पाया किसका कहना सुनूं किसका नहीं सुनूं, तो मैं बीच में आकर के हाफ टेबलेट लेता हूं। तो असली क्या है डॉक्टर, आप बताइए असली क्या है स्टोरी, किसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर मेरा सजेशन एट दिस जंक्चर विल बी आप एक महीना कोई भी गोली ना लें, हाँ, बीपी की, एंड देन यू रीअसेस योर बीपी, ठीक है? बिकॉज एक महीने में जितनी भी आपने बीपी टैबलेट खाई है उसका पोटेंशियल बेनिफिट बॉडी से निकल जाएगा, देर विल बी नो ट्रेस ऑफ दैट मेडिसिन लेफ्ट इन योर बॉडी वन मंथ लेटर। आज हम 11 अगस्त पे हैं, अगर हम कल से बंद करते हैं तो 12 सितंबर के आसपास आप बीपी चेक करें, 3-4 रीडिंग लें, वन मॉर्निंग व्हेन आफ्टर यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद की रीडिंग बहुत जरूरी है बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मिस दैट, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपका बीपी स्पाइक हो रहा है फिर से। सो व्हाई डॉक्टर्स एडवाइस, यस ऐसा नहीं है कि वी आर इन डिनायल कि लाइफस्टाइल वर्क्स, एंड जैसे आपने नींद आप कम ले रहे थे, that was one very important thing. To sum it up, you have reversed BP by reducing weight, reducing your over exercise habit, jo aap pranayam kar rahe the, bhastrika, kapalbhati, they spike up BP, to wo nahi karna hai. Ye disclaimer Baba Ramdev ne bhi dena chahiye, because wo sabko sab kuch karane lag jate hain, to This is essential. किसने क्या नहीं? 500 times मैं करता था सर कपाल भाती, अभी 15-20 करता हूँ। हाँ जी, आप तो thirdly जो आपने exercise आपका moderation कर दिया, जो आपकी कोच ने आपको guide किया कि ये सब आपको नहीं करना, salt intake आपने obviously कम कर दिया है, you know कि अब salt नहीं खाना, आपको आपको कोई प्रोस्ट्रेट इश्यू है, आपको बार बार उठना पड़ता है, तकलीफ होती है कोई, आपका कोलेस्ट्रॉल, असी मैंने सिर्फ एक बात कही कि एज अ डॉक्टर वी वुड रिक्वेस्ट यू टू पुट योर रिपोर्ट्स आल्सो इन द हेल्थ लॉकर, गोकी में एक हेल्थ लॉकर ऑप्शन है सर, दिस इज कलेक्टिव, हमारे बाकी प्लेयर्स ने अपनी पूरी रिपोर्ट्स इसमें जमा की हुई है, सो व्हेनेवर यू गेट ऑन टू अ गोकी डॉक्टर कॉल, वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सारा मेहनत गोकी के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अचीव कर लिया है, बट एनी फ्यूचर रेफरेंस वी वुड वांट टू नो, एंड आपका थायराइड चेक भी एक बार होना चाहिए बिकॉज इन एनी पर्सन विद अ हिस्ट्री ऑफ बीपी ब्लड प्रेशर इश्यू हम थायराइड टेस्ट जरूर करते हैं। sure, तो ये एक बार लॉग हो जाएगा, एक महीने बाद आप 12 सितंबर के बाद मल्टीपल बीपी रीडिंग्स लेके देखिएगा, अगर कोई भी रीडिंग 140/90 क्रॉस नहीं कर रही, इंडिविजुअल कट ऑफ 140 के ऊपर भी नहीं जा रही, 90 के ऊपर भी नहीं जा रही, तो यू आर मेडिसिन फ्री एंड गोकी हैज सर्व्ड इट्स पर्पस फॉर यू। नो बट आई थिंक डॉक्टर अश्विन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही राइट, कि डायबिटीज जो ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी कंडीशन है हमारे देश में, आई मीन द नंबर ऑफ पीपल ऑन ब्लड प्रेशर मेडिकेशन इज क्रेजी, तो बाकी के लोग इसको सीरियसली क्यों नहीं ले पा रहे हैं, व्हाई इज ब्लड प्रेशर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल? Vishal, as we used to take histories in Goki, we realized people are not sleeping enough. So as you have also started emphasizing, and our Goki tracker also helps you realize how a light sleeper are you? Are you not getting good quality sleep? Dekhiye, main, Vishal, aap, Mr. and Mrs. Digvijay Singh, we grew up in a time where hamare paas electronic gadgets nahi the. Hamare bachpan mein ye sab
इंटरफियरेंस नहीं था. वी यूज टू स्लीप, लाइट बंद 10 बजे, हम लोग सो गए 10:30 बजे. वी यूज टू वेक अप डायरेक्टली 6:30 इन द मॉर्निंग. टुडेज जनरेशन especially during lockdown and prior to it is hooked on to electronic devices. There is no sleep hygiene left. आप रात को mails भेज रहे हैं, आप रात को गाने सुन रहे हैं, आप videos देख रहे हैं, and everybody is justifying it कि मैंने पूरा दिन काम किया, अभी मुझे कुछ तो recreation चाहिए, तो let me do something related to the gadget. Secondly, many people feel कि sleep is not essential. बहुत wrong concept है. अनफॉर्चुनेटली कई दिग्गज लोग ये पब्लिक फोरम में कहते हैं कि हम सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं, देखिए हम कितने प्रोडक्टिव हैं. दिस इज नॉट द राइट मेडिकल पिक्चर. ऑल दीज पीपल राइट नाउ, येस दे माइट बी इन देयर प्राइम और दे हैव ट्रेन्ड देयर बॉडी दैट वे, बट एनीबडीज बॉडी नीड्स 7 to 8 hours ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप. आपने खुद देखा है मिस्टर सिंह, आप पहले सब कर रहे थे फिर भी आपका बीपी हाई था, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा था. जब तक नींद पूरी नहीं होती, बॉडी के नॉट सी. दैट्स वाई द आइडियल रूल और विच यू नो एज आई सेड माय जनरेशन, विशाल जनरेशन ग्रो अप ऑन 8-8-8 hours. 8 hours स्लीप, 8 hours ऑफ योर स्कूल स्टडीज एंड 8 hours ऑफ योर रिक्रिएशनल, आपको जो भी करना है. सो दैट इज वॉट वी एम्फसाइज एट गोकी. वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स के स्टिक टू बेसिक्स. आप ये मत सोचिए आप सडनली सुपरमैन हो जाएंगे, आप 4 दिन सोएंगे नहीं और फिर आपका जब बीपी स्पाइक होएगा तो बहुत अनटूवर्ड मेडिकल इंसिडेंट्स होते हैं. एंड दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि यू नो लोग रात भर नहीं सो रहे, दिन में दे आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर स्लीप. गोइंग अगेंस्ट द बॉडी क्लॉक इज अ प्राइमरी रीजन विशाल फॉर मोस्ट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स. आज पेशेंट हमें जब पूछते हैं कि मेरे माता पिता को डायबिटीज नहीं थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं थी, तो मुझे क्यों ये सारी बीमारियां हैं 35-40 पे. The answer is in the lifestyle, which you know we are able to track. कि आप सो नहीं रहे, आप रात भर जागते हैं, आपको लगता है दिन में थोड़ा काम कर सो लेंगे ठीक है, आपका junk food intake high है, stress levels high है, you are not emphasizing health. दिग्विजय जी and family ने health को priority बनाया है. जब तक आप prioritize नहीं करेंगे, I think what you just said, Dr. Ashwin, is so important that health को priority बनाना कितनी इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है. तो यू नो इससे पहले कि वी एंड दिस सेशन, आई वांटेड टू आस्क बोथ मिस्टर एंड मिस्टर मिसेस दिग्विजय सिंह कि आपका क्या मैसेज है, बिकॉज़ ये आपकी फैमिली, आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी वांट्स टू हैव डॉटर्स लाइक यू, राइट, हु हैव सो मच लव एंड केयर. एंड सिमिलरली वी ऑल वांट टू हैव पेरेंट्स लाइक यू हु आर ऑल डेडिकेटेड लविंग एंड हु आर, बिकॉज राइट नाउ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर किड्स इज And our biggest tension is the health of our parents. And normally क्या होता था कि parents today are not taking care of their health. सबको यही लग रहा है कि अभी 60 हो गए, 70 हो गए, अभी तो मेरे थोड़े दिन बाकी, अब क्यों करना है. You know, lot of people have this feeling and attitude कि अभी तो मतलब मेरे दिन बाकी नहीं है, मैं तो अभी कुछ भी करूंगा, अभी कुछ नहीं फर्क पड़ता. You know, this is one, many of आपका ये thought process है, पर ज्यादा लोगों का ये thought process आ जाता है कि मैं ये सब अभी क्यों करूं. तो आपने ये क्या मैसेज है आपका लोगों के लिए, जो दूसरे जो ये सुन रहे हैं, जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं और जो सिमिलरली जो रिटायर्ड लोग हैं, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? सर मेरा मैसेज यही है कि जैसे पहले ही बताया कि डबली हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, एजुकेशन और एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मतलब हेल्थ. तो इन दोनों का बंटवारा लाइफ में कोई कर नहीं सकता, चाहे हमारा परिवार वाला या बेटा बेटी या कोई भी, इन दोनों का वैसे हम धन के बंटवारा तो हो सकता है लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का बंटवारा नहीं हो सकता है. तो मेरा यही मैसेज है, कृपया सब लोग शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दें. और जो यंग जनरेशन है, अभी थोड़ा सा दूर जाना रहता है तुरंत किक मारते चले जाते हैं, कम से कम वो 24 आवर्स में कम से कम मिनिमम 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें ताकि 1 घंटे में उनका फिजिकल वर्कआउट हो सके. फैंटास्टिक, और ये मैसेज बहुत ही इंस्पायरिंग है. एंड मिसेज दिग्विजय, आपका क्या है, क्या मैसेज है लोगों के लिए? टाइम निकालना जरूरी है. And I know before we end, I'd like to have the daughters also say, because you have been the catalyst
जो रीजन वो यहाँ है क्योंकि आपने उनको इस ब्यूटीफुल रस्ते में आपने उनको इंट्रोड्यूस किया, राइट? आपने उनको राह दिखाई. ऑफ कोर्स दे ही हैज एक्सरसाइज एंड ही हैज डन ऑल द हार्ड वर्क. सो व्हाट इज योर मैसेज टू योर पेरेंट्स एंड ऑल्सो अदर पीपल हु आर लिसनिंग टू यू हु ऑल्सो हैव पेरेंट्स एंड अदर पीपल अराउंड देम? वी कैन गो, वी कैन स्टार्ट विद द विद एनीवन हु वांट्स फर्स्ट. Well, Vishal, a simple message. See, in today's scenario, the lifestyle, what, if of course, our parents have been blessed, they still have a better life. What currently, as very rightly said by Dr. Ashwin, we still do. And in fact, when he was saying, we still follow the lifestyle wherein late night, we are still on mails, we are still on Netflix and all the things what we do. So, yes, we follow our father's footstep wherein we say ki yes, exercise, no one else can take care of it, no one else can do it on your behalf, it has to be you. And one thing what papa has kept on telling us is, if you will be healthy, you will be able to take care of the rest. So aisa hota hai kafi baar ki aap apni tabiyat ka dhyan nahi de rahe ho aur baki ke dekhne mein rahoge, to ultimately you are doing loss to yourself and then in resultant to others. So first thing he has taught us is ki first take care of yourself, and nothing better, as he used the word two E's, nothing better can be justified or sufficed by that. Exercise and the education or the information is what you gather, and the best practice is what he follow, like he even shares his coach messages and all everything. So currently we are in a media wherein information becomes a very, very handy tool and everyone shares the detail. But how much that detail is validated, how much that detail is actually right, that we should be cautious enough. And if you have a person who is aligned to you every time, like we say, Google anything you want, you Google it up. But then there is no reference that everything what is printed is right. But someone who is mastered in that field from there, if you are checking it up, so you have that friend along with you and taking it across. Keeping the thing that whatever is scenario, even in tough time like COVID, it's only your health and immunity power which can take you through. So taking with the health is no second way thought, that's the utmost priority. Fantastic. No, I think what you just said is absolutely correct. Deepika, Kritika, do you want to add anything? We can't hear you, Kritika. Sorry, your voice is muted. No. The mic is muted for some reason. Maybe you want to go first, Deepika? I think my can fix the mic. Yeah, I think it's fixed now. Kritika, go ahead. Yeah, now is it audible? Yes, it is. Okay, I just wanted to inform others, like, we just need to keep our spirits high. It will lead to our destination. Just keep walking. Fantastic. One step at a time. Fantastic. What about you, Deepika? Well, my elder sister, she has covered most of the points, but yeah, one thing that, you know, that we have learned from our father is the consistency. Whatever you do, just be consistent on the fact that the results will show. He took 7 years. So the results will be there, but just keep, you know, just keep the focus on and be the first. I think that's what everybody... And one thing I would just like to add on the part of the meditation thing, which helped me a lot, me being a person who's very anxious about most of the things, the meditation factor that Goki, my dad introduced me to it, that why don't you use it? It's part of the, you know, I would go to YouTube and everything, but he said it's there. It would be recorded as well. So that meditation thing and the sleep is, you try everything, but please, please be focused on the part that you need to rest and be consistent. And I think that's all. That's all. Yeah. Great, great. So Monica, inka next goal kya hai, wo batao. Inhone ye sab to achieve kar liye. Iske baad kya kar rahe? What is the goal he's working on? We all need to know. We are now going for a full blood profile test. And we'll take care about thyroid and sugar, postprandial, etc. And HbA1c specifically. And we'll just have a good look if anything else needs to be taken care of. But that's the next goal. We have already spoken about that today itself, that, you know, blood test is due now. So yeah. I'm sure we'll be back with some good news again. Fantastic. I think
Once again, I have been so inspired. Ye pura session is such a great show of women power, of the power of health. Aapne jo bataya ki education and exercise, you cannot give to anybody. It's not like money. Aap paise aap logo ko de sakte ho. उसका बंटवारा प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है बट हेल्थ का बंटवारा नहीं हो सकता है. आई थिंक जो आपने ये बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो कोविड का टाइम है उसमें तो ये सबको जानना है कि हेल्थ इज द ट्रू वेल्थ. आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो उसकी कोई कीमत नहीं है अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य ना हो. तो उसी के साथ थैंक्स अ लॉट once again everybody, looking forward to now seeing you again maybe in person. ek bar ye sab lockdown khatam ho jaye to hum ek aapke sath ek special reunion karenge and we will get the entire family together with the Gokhi family. We are also now part of your family. Thank you again. Thanks a lot.